हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियोस में हम डिस्कशन करने वाले हैं अपना सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट चैप्टर स्टूडेंट्स सीयूटी एग्जाम्स में आएगा, और सीयूटी यूजी का एग्जाम्स हो, पीजी का एग्जाम्स हो, या आईटी जैम नेट किट किसी का भी हो, तो सॉलिड स्टेट सभी में आता है स्टूडेंट्स। तो वैसे जो हमारे पास 94 पेज की पीडीएफ है, इसमें अप टू नेट तक है आपका सॉलिड स्टेट जितनी होगी। बट अभी करंटली हम उन स्टूडेंट्स के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं जो सीयूटी यूजी या पीजी का पेपर देंगे, यूजी स्पेशली बात कर रहे हैं हम। तो जो क्लास ट्वेल्थ में अपने में सिलेबस ओनली उनको डिस्कशन करेंगे। अभी लास्ट पॉइंट पे इतना आपके पास टाइम नहीं है कि आप ज़्यादा हायर का करो। तो सॉलिड स्टेट्स में मेनली स्टूडेंट्स 4 से 5 जगह ही हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से पॉसिबिलिटी होती है कि क्वेश्चन आ सकते हैं। मेनली आप सबसे पहले सॉलिड स्टेट्स वाले जो चैप्टर हैं, यहाँ पे 2 स्टेट्स के बारे में पढ़ते हो। जैसे सॉलिड की भी 2 स्टेट्स होती हैं, क्रिस्टलाइन स्टेट हो गई और एमोरफस। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमोरफस सॉलिड्स के बारे में देखें। क्रिस्टलाइन में परफेक्ट अरेंजमेंट्स होती है पार्टिकल्स की, एमोरफस में थोड़ा सा इरेगुलरिटीज आ जाती है। फिर जैसे मेल्टिंग पॉइंट देखते हो तो क्रिस्टलाइन का शार्प मिलता है, एक ही पॉइंट पे मेल्ट हो जाएंगे, बट एमोरफस का ऐसा नहीं होगा। एंड डेफिनेट प्रॉपर्टीज़ रहेंगी क्रिस्टलाइन की, एमोरफस की नहीं रह पाती, वो एनिसोट्रोपिक रहता है, ठीक है, वो ट्रू सॉलिड बोलते हैं हम क्रिस्टलाइन को। ये वाली जो बेसिक थिंग्स है, यहाँ से वैसे तो क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। फिर हमने एक सिंपल टर्म्स बता रखे हैं यहाँ पे, आप बोलोगे तो हम इसकी पीडीएफ्स भी आपको शेयर कर देंगे। है तो यूनिट सेल क्या है, सबसे छोटा 3D पोर्शन स्पेस, जैसे अपनी दीवार बनाते हो स्टूडेंट्स, आप घर बनाते हो तो सबसे छोटा क्या है, ईंट होती है ना, तो वो पूरी दीवार की है हमारे मकान, तो वैसे ही यूनिट सेल होती है सबसे। यूनिट सेल को आप छोटी 3D पोर्शन है उसको रिपीट करते जाओगे तो कंप्लीट क्रिस्टल लैटिक्स तैयार हो जाता है। वहीं लैटिक्स पॉइंट है, पॉइंट है जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जर्नेट करते हैं पूरी यूनिट सेल्स को। एंड इंटरफेशियल एंगल्स होता है 2 एडजेसेंट फेसेस के बीच में क्रिस्टल, और ये कॉन्स्टिट्यूएंट रोस में 8 कॉर्नर होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, 12 एज होते हैं किसी भी क्यूब के। कॉन्ट्रीब्यूशन स्टूडेंट्स बॉडी सेंटर्ड एक ही रहता है, फेस सेंटर्स का हाफ टू, एज सेंटर्स का एंड कॉर्नर का। फिर मेनली यूनिट सेल 2 टाइप की होती हैं, प्रीमेटिव और नॉन प्रीमेटिव। प्रीमेटिव ओनली जो कॉर्नर वाली होती हैं 8 रहते हैं, और नॉन प्रीमेटिव वाली में अलग अलग रहती हैं, बॉडी सेंटर्ड अलग होगा उसमें कॉर्नर में प्लस बॉडी पे। जैसे कॉर्नर की वजह से अगर कॉन्ट्रीब्यूशन वाला देखें तो अलग हो जाएगा, सिंपल पॉइंट्स की बात करें तो 8 1, बॉडी की वजह से तो 9 हो जाते हैं। फिर फेस सेंटर्स पे करोगे तो 4 6 वहाँ पे हो जाते हैं। जब आप कॉन्ट्रीब्यूशन करते हो तो 1/2 से कैंसिल करके तब 3 हो जाता है वो। तो टोटल लैटिक्स पॉइंट की बात करें फेस सेंटर्ड में तो 14 आ जाएंगे, एंड सेंटर्ड में 10 आ जाएंगे, यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए। फिर यहाँ पे पार्टिकल पर यूनिट सेल की बात हो रही है तो सिंपल क्यूबिक में ओनली कॉर्नर पे है तो 1 आ गया, बॉडी सेंटर्ड में कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर्ड पे 2 हो गया, एंड सेंटर्ड में भी 2 आता है, फेस सेंटर्ड में 4 आता है, एज के लिए 4 रहता है, तो यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, ये अच्छे से कर लेना आपको। देन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बता रखा है, अगर आपके पास पार्टिकल 1 पे हैं तो रीजन्स के जो पॉइंट्स है। फिर फेस सेंटर्स में मतलब 4 पे है तो क्या कॉन्ट्रीब्यूशन इन पार्टिकल्स का हो सकता है, वो वाली थिंग्स बता रखी है। उसके बाद 2D रिप्रेजेंटेशन 3D में, बॉडी सेंटर्ड मतलब कहाँ पे है कॉर्नर, फेस सेंटर्ड में कहाँ पे है, एज सेंटर्ड में कहाँ पे है, पार्टिकल की रिप्रेजेंटेशन कर रखी है। डायमंड का आपको अभी फिलहाल के लिए नहीं करना, वैसे डायमंड की स्ट्रक्चर पूछ ले तो आप CC और HCP दोनों की होती है, ज़्यादा कॉमन आपको FCC मिलती है फेस सेंटर्ड वाली। एंड टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल में रिलेशन पूछ सकते हैं आपसे डिफरेंस, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो टोटल टाइप ऑफ यूनिट सेल है ना, 7 क्रिस्टल सिस्टम। इसमें आपको ये पढ़ना है कि क्रिस्टल सिस्टम जैसे क्यूबिक है उसके एक्जियल लेंथ क्या रहेगी, तीनों ABC बराबर रहती हैं, एंगल भी इक्वल होते हैं, ठीक है, और कौन कौन रह पाता ये भी याद रखो तो और अच्छी बात है। तो इन 7ों में आ सकता है क्यूबिक। एक क्वेश्चन ये आ जाता है सिमेट्रिकल बताइए, तो क्यूबिक होता है उसमें एंगल भी और ये जो एक्जियल लेंथ है वो भी इक्वल रहती है, सबसे ज़्यादा एनसिमेट्रिकल ट्राइक्लिनिक रहेगी, ठीक है, और बीच में ये साइड के ऑर्थोरोम्बिक हो गया, ये वाली टेबल एक अच्छे से कर लेनी है आपको। फिर 14 जो अपने ब्रेविस लैटिक्स होते हैं, 7 क्रिस्टल सिस्टम्स हैं जिनके बारे में आप पढ़ते हो, ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बारे में जो पढ़ते हो, ठीक है, वहीं वाले बेसिक थिंग्स। टेट्राहेड्रल वॉइड टोटल 2 करते हैं तो 1 का 4 होता है तो 8 हो जाता है यहाँ पे। तो ये लैटिक्स पॉइंट में ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स वगैरह कितनी है वो थिंग्स बता रखी हैं आपकी। एंड अगर स्पाइनल का देखना चाहते हो, अभी तो नहीं है आपका अकॉर्डिंग CUT UG का, बट PG वाले स्टूडेंट्स देखना चाहते हो स्पाइनल की, हमने सेपरेट वीडियोस बना रखी है तो वहाँ से देख सकते हो, 5 से 7 मिनट की है और काफ़ी इजी ट्रिक्स हमने उसमें बता रखी है स्पाइनल वाले के लिए। अभी 12th जो स्टूडेंट्स करके UG की कर रहे हैं वहाँ नहीं पूछेंगे आपसे, बट IIT जैम एंड योर PG एग्जाम्स में स्टूडेंट्स कम फ्रॉम स्पाइनल पार्ट से, तो यहाँ से आपको देखना पड़ता है नॉर्मल स्पाइनल के लिए जो +2 AB स्टेट होते हैं ना ऑक्साइड के साथ,
अगर टेट्राहेड्रल है, बी ऑक्टाहेड्रल है, इनवर्स में इसका उल्टा हो जाता है ना, ठीक है, तो तब चेक करते हो आप, वो एक अलग थिंग्स है। उसके बाद अभी के लिए जो अपनों यूजी के लिए बात करें हम, तो इसमें दो तीन कंपाउंड्स हैं, उनका भी स्पेशली यहाँ तो नहीं दे रखा। फिर अन्य सीएल वगैरह कि कौन से कहाँ उसके एटम कहाँ हैं, कॉर्नर पे हैं, सेंटर पे हैं, कौन से क्यूबॉइड्स में हैं, ठीक है, ये सारी थिंग। ऐसे ही सीजीसीएल का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ लें आपसे, ये नॉर्मल ही है। ये जो नेक्स्ट वाली स्ट्रक्चर दिखा रखी, ये आपके ये आगे जब जैम पेपर्स दोगे अब उसमें आएंगी। तो अभी क्लास ट्वेल्थ के लिए तो जो अभी ऊपर आपको तीन पोर्शन बताए गए वहीं से क्वेश्चन रहेंगे। एंड ये याद रख लेना, एचसीपी का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 रहेगा दोनों का ही। और ये स्ट्रक्चर अभी नहीं करनी आपको, एंटी फ्लोराइड ये सारी नेट में आती हैं, या एमएससी का एग्जाम्स देते हो तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले पोर्शन में रहता है। आपका अभी क्वेश्चन आएगा पैकिंग फ्रैक्शन से, ठीक है, ये याद रख लेना स्टूडेंट, समरी वाला कि सिंपल क्यूबिक में डिस्टेंस क्या होती है, लेंथ में क्या रिलेशन है रेडियस वाले में, ऐसे बॉडी सेंटर्ड में क्या होता है, फेस सेंटर्ड में क्या होता है, ये याद रखोगे। और फिर ये सबसे इंपॉर्टेंट पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू और डेंसिटी का फार्मूला, डेंसिटी का फार्मूला निकालते हो ना वो वाला, और सिंपल क्यूबिक के लिए 52.3 या 4 होता है, फेस के लिए 74 एंड बॉडी के लिए 68। तो ये वाली याद रखोगे, डेंसिटी का फार्मूला जेडम बाई ए क्यू बनने, मतलब तीन चार जगह ही ऐसी हैं जहाँ से सॉलिड स्टेशन क्वेश्चन बनेंगे आपसे। और वैसे स्टूडेंट ज़्यादा हेडेक भी नहीं लेनी, आउट ऑफ 50 यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 40 क्वेश्चन, तो दैट मीन्स 10 क्वेश्चन की चॉइस होगी आपके पास। तो अगर आप एक दो चैप्टर छोड़ भी दोगे, अगर और सारे अच्छे से कर लोगे तो यू कैन ईजिली स्कोर द 40 मार्क्स, ओके। एंड नेक्स्ट ये थिंग्स आपको बता दी गई है, मिलर इंडेसिस का अभी क्लास ट्वेल्थ वाले में नहीं है। अगर आप पीजी के स्टूडेंट्स हो तो आप कमेंट जरूर करें, ज़्यादा होंगे तो हम इसमें जो इंपॉर्टेंट है जैम नेट वाली वो भी डिस्कशन करेंगे। वैसे हमें सीरीज़ तो नेट वाली भी स्टार्ट करनी थी, बट एक बार बीच में काफ़ी सारे हमारे पास आ रहे थे सीयूटी यूजी के रिलेटेड, तो इसलिए हमने सोचा एक बार इसका आपको प्रोवाइड कर देते हैं। और ट्राई करेंगे एक नेक्स्ट वीडियोस में हम इसके लास्ट जो पीवाईक्यू है केमिस्ट्री के सीयूटी एग्जाम्स में, तो वो आपको कवर करवाएं, ताकि आपको और आइडिया लग जाए कि किस में से क्या आएगा। तो एक बार हम आगे देख रहे हैं, आई थिंक इसमें तो इतना ही रहेगा आपका जो बोर्ड एग्जाम्स तक था। लास्ट में इसको आपको रहेंगे डिफेक्ट से, जो फैंकल डिफेक्ट है, शॉर्ट की डिफेक्ट, उनके एग्जाम्पल से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, वो वाला। और लास्ट में जो बैंड गैप होते हैं आपके कि इंडक्टर्स, इंसुलेटर, कंडक्टर, जो आपका होता है सेमी कंडक्टर, उनमें गैप कितना होगा, वो वाली थिंग से क्वेश्चन आ सकते हैं। और तो कुछ ज़्यादा नहीं है, ये फैक्टर्स वगैरह जो अभी चल रहा है ये सारे किसमें पढ़ने पड़ते हैं अपने को, एच के एल का सम इवन है तो बॉडी सेंटर्ड, वैसे इवन ओड है तो ये फेस सेंटर्ड, ये अभी आपको यूज़ नहीं है, ये आगे हायर क्लास में जब आप नेट गेट का जब हम एग्जाम्स देते हैं तब काम आता है ये वाली टेबल। तो अगर वो वाले स्टूडेंट्स हैं तो ये वाली अच्छे से देख लेना, सिंपल क्यूबिक के लिए कोई भी वैल्यू हो सकती है, बॉडी सेंटर्ड में एच के एल की वैल्यू दी है, अगर इवन है तो बीसीसी होगा, एफसीसी के लिए या तो सारे इवन होने चाहिए ओड, ओके। तो इस टाइप से आपको कर लेनी है ये वाली थिंग्स, जैसे ये काउंट कर रखी है यहाँ पे। एंड फिर क्रिस्टल डिफेक्ट है, ये पॉइंट डिफेक्ट है, लाइन डिफेक्ट दो टाइप के हो गए, एज डिसलोकेशन सरफेक्स वाले में हो गई, शॉर्ट की डिफेक्ट से कहते हैं, तो इसमें इन डिफेक्ट्स के बारे में आप पढ़ते हो, फ्रैंकल डिफेक्ट में ऐसे कहते हैं, शॉर्ट की डिफेक्ट में डिफरेंस एग्जाम्पल की हेल्प से करवाएंगे आपको, ठीक है। फिर मेटल डेफिशिएंसी, मेटल एक्सेस अगर इलेक्ट्रॉन हो जाए, वैकेंसी डिफेक्ट, ठीक है, ये सारी थिंग्स आपको पढ़नी है। एफ सेंटर जो कलरिंग पार्ट करता है, कंडक्टर में बिल्कुल क्लोज होते हैं, इंसुलेटर में थोड़ा सा दूर रहते हैं, और फिर बस ये बेसिक ही थिंग्स है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है इसमें। इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट हमने आपको बता ही दिया, और लास्ट में अगर पोर्शन होगा तो आपका बैंड गैप वाला ही है, ये हमने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो सॉलिड स्टेट में एक बार फिर से रिवाइज करवा रहे हैं, एक क्वेश्चन वहाँ से और देख लेना, डिफरेंस मोलिकुलर और वो उसके टाइप्स थे ना एम और सॉलिड्स के, उनसे आपको कर लेना है एक बार, उससे एग्जाम्पल से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मॉलिकुलर सॉलिड्स जो होते हैं मेटालिक नेटवर्क उन वाले से कि कौन से में कौन सा बॉन्ड होगा इस्टे, और एक बैंड गैप्स वाले से, और एक वो सीटों वो सात क्रिस्टल सिस्टम वाले स्ट्रक्चर्स थी, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल क्या होगा, वो वाला पोर्शन। और अगर फिर भी आपको अभी भी प्रॉब्लम लग रही इस चैप्टर को, तो हम एक सेपरेट 20 मिनट की वीडियोस बोर्ड पे ले लेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपको स्टूडेंट कंटेंट अच्छा लगता है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो, पहले कंटेंट देखिए यूजफुल लगे तो ही आप शेयर करें, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके स्टूडेंट्स। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट और किसी वीडियोस में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, और बेस्ट ऑफ लक सभी सीयूटी एस्पायरेंट स्टूडेंट्स को जो भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं।